Assalamualaikum. Welcome to my channel Gorgeous Lashes Beauty Salon. In this channel, I'll be showing you different types of beauty techniques, makeup techniques, hairstyles, and much more. Make sure to like, subscribe, and comment down below to this video. And don't forget to turn on the post notification for more videos like this. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बेस पे कि हम अपने जो है मेकअप की बेस को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं और किस तरह से हम उसको देर तक रख सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी स्किन की प्रिपरेशन जो है वो करना ज़रूरी है। अगर हम प्रिपरेशन कर लेंगे तो हमारी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और जो है उसमें क्रैक्स जो है हमारी बेस में नहीं आएंगे। सबसे पहले अगर आप किसी का पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप या कोई भी मेकअप करने लगे हैं तो आप अपने क्लाइंट की स्किन को चेक कर लें और उनका फेस वॉश करवाएं और उसके बाद आप अपने फेस पे जो है वो प्राइमर लगाएं। अगर आप जो है ज़्यादा प्राइमर लगाएंगे तो उससे भी आपकी बेस जो है वो ख़राब होगी। आप बस जस्ट वन और टू ड्रॉप जो है वो लगाएं प्राइमर के, देन फिर आप जो है अपना नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे, उसको थोड़ा सा जो है वो आपने लेना है 1-2 ड्रॉप के बराबर, ठीक है। और प्राइमर जो है आपको ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारा पानी का कलर होता है, यानी कि 9 कलर प्राइमर को आप यूज़ करेंगी। और प्राइमर को आप अच्छे तरीके से लगाने के बाद 4-5 मिनट आप स्टे करवाएंगी। स्टे करवाने के बाद आप जो है अपना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जो है वो मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं, क्लिनजिंग भी कर सकते हैं। और जो है अगर ऑयली आपकी स्किन है तो आप अपने क्लाइंट का फेस वॉश जो है वो लाजमी करवाएं ठंडे पानी के साथ। जो है गर्मियों में ख़ासकर अगर आप बेस बना रहे हैं तो आपने अपने क्लाइंट का जो है फेस वॉश जो है वो लाजमी करवाना है। तो फिर आपके अगर स्किन आपके कस्टमर की ड्राई है तो आप उसको मॉइस्चराइज करें, मॉइस्चराइज जो है वो लाजमी करें। बाज़ का जो है स्किन सर्दियों में भी ड्राई रहती है और गर्मियों में भी ड्राई रहती है। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र अवेलेबल नहीं है तो हर सैलून में जो है वो क्लिनजिंग मिल्क ज़रूर होता है, उसकी आप क्लिनजिंग कर लें। और फिर आप जो है अपनी स्किन के हिसाब से देखें कि आपकी स्किन अगर डबल टोन है तो आप उसको जो है सबसे पहले आप प्राइमर के बाद आप कैमोफ्लाज करें। कैमोफ्लाज के लिए आप सबसे पहले जो है अपने हाथ के साथ जो है लगाने के बाद कैमोफ्लाज के लिए आप जो भी बेस यूज़ करें आप उसको लगाएं, देन फिर आप उसको अपने हाथों के साथ ब्लेंड करें। हाथों के साथ ब्लेंड करने के बाद आप जो है उसको जो है फिर आप वो लगाएं, स्पंज के साथ आप उसको यूज़ करें। और ये है हमारी ऑरेंज स्टिक जो है, ऑरेंज स्टिक आप इसको लगाएं अपने डार्क सर्कल पे और जहाँ जहाँ आपकी जो है डबल टोन नज़र आ रही है। फिर आप जो है लिक्विड में भी आप यूज़ कर सकते हैं कंसीलर। और अगर आपकी स्किन रेडिश टोन में आ रही है तो मार्केट में अवेलेबल होती हैं ये ग्रीन स्टिक भी और कंसीलर भी होता है। और अगर आपकी स्किन येलो टोन में है तो फिर आप जो है इस येलो टोन को ख़त्म करने के लिए आप पर्पल स्टिक को यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करने के लिए आप यूज़ करें और अच्छे तरीके से अपने फेस पे हाथों के साथ जो है आपने टैप करें और देन फिर आप जो है वो उसके साथ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप वो ब्लेंड करें। और फिर उसके बाद आप अगर चाहे आप स्टिक फॉर्म में बेस यूज़ कर रहे हैं या लिक्विड फॉर्म में बेस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फेस पे जो है ये लगा दें। और बेस पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पहले अपने हाथों के साथ जो है वो लगाएं, देन फिर आप स्पंज के साथ अच्छे तरीके से लगाने के बाद आप अपने स्पंज को बिल्कुल नॉर्मल वेट करें, इतना ज़्यादा वेट नहीं करें। और फिर अपने स्पंज
के साथ जो आपके पास वेट स्पंज है उसके साथ आप टैप टैप करेंगे तो आपकी बेस जो है बहुत अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, हमने अपनी बेस को सेट करने के लिए उसको इक्वल टोन में लाने के लिए हम अपने फेस के अकॉर्डिंग जो है वो फेस पाउडर या लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे। तो आपने लगाने के बाद फाउंडेशन स्टिक लगाने के बाद आपने अपने फेस पे जो है यूज़ करना है फेस पाउडर या लूज़ पाउडर आप यूज़ करें अपने फेस पे। फिर उसके बाद आप इसको टैप करें अपने फेस पे, अच्छे तरीके से आपने टैप करना है ताकि ये आपके फेस पे उभरा हुआ या नुमाया आपके फेस पे नज़र नहीं आए, ठीक है। फेस पाउडर लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। देन फिर आप इसके बाद आप लगा सकते हैं पैनकेक, चाहे आप पैनकेक जो है अमूमन वेट उस फॉर्म में लगाया जाता है, आप पैनकेक आप यूज़ करें। फिर आप इसके बाद लगाने के बाद आप मिरर बेस भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और पैनकेक को भी आपने हल्का सा जो है स्पंज वेट करने के बाद जो है पैनकेक को लेना है, देन फिर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अप्लाई करें जब आपका जो है फेस पे ये पैनकेक या मिरर बेस ड्राई हो जाए, थोड़ी सी रह जाए, फिर आपने उसको अच्छे तरीके से अपने स्पंज के साथ सेट करना है। देन फिर आपने जो है हल्का हल्का सा उसको लूज़ पाउडर के साथ आप सेट करें, ठीक है। और इसलिए जो है हमने पहले पैनकेक नहीं लगाया क्योंकि पैनकेक में पानी जो होता है और हमारी जो फाउंडेशन या स्टिक है उसमें ऑयल होता है, और पानी और जो स्टिक है मतलब पानी और ऑयल जो है वो इकट्ठा जो नहीं हो सकता, इस वजह से हमने सबसे पहले जो है लूज़ पाउडर लगाया है ड्राई फॉर्म में ताकि इसके ऊपर एक जो है वो लेयर बन जाए और फिर हम अपना जो है ये फेस पाउडर पैनकेक या मिरर बेस लगा सकें, ठीक है। और स्टिक में जो है वो ऑयल होता है, इस वजह से जो है लूज़ पाउडर हमारे फेस पे लगाना ज़रूरी है। अगर आप स्टिक के बाद अगर आप मिरर बेस लगाते हैं तो इस तरह से आपकी बेस जो है वो फट जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो बेस के मतलब पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।